नमस्कार। महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो रही है वाकई वो इस देश की राजनीति में एक ऐसे बिरले उदाहरण है कि हमारे राजनेता सत्ता का मक्खन खाने के लिए किस हद तक उतरते हैं। लोग कहते हैं कि जवान में हड्डी नहीं होती, इसलिए जवान फिसलती है, लेकिन कुछ लोग आदतन झूठ बोलने के आदि होते हैं। वो इतने ताकत से झूठ बोलते हैं और इतने बार बार बोलते हैं कि फिर वो झूठ सच लगने लगता है। महाराष्ट्र को लेकर हाल ही में भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो एक हो रहे हैं ये भ्रष्टाचार की गारंटी है, 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार। उसमें उन्होंने अलग राज्यों के भ्रष्टाचार गिने, तब उन्होंने महाराष्ट्र का राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस NCP की बात करते हुए कहा कि 70,000 का सिंचन घोटाला, परिवारवाद, और उन्होंने गारंटी ली थी कि यदि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी लेता है तो मैं उन्हें सज़ा दिलवाने की गारंटी लेता हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के मायने क्या है, सज़ा के मायने क्या है। सज़ा के मायने यदि मज़ा है तो फिर यकीनन मुझे उन पर यकीन करना होगा, क्योंकि उनके इस वक्तव्य के बाद 2 दिन के अंतर ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के महाविकास जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार थी उनका हिस्सा बने, अजित पवार और तटकरे, ये दोनों सिंचन घोटाले के तथा कथित महानायक जब आरोप उन पर लगते थे, वो लोग मंत्रिमंडल में मंत्री है, मतलब तटकरी की बेटी मंत्री है, अजित पवार मंत्री है, छगन भुजबल जिनको आरोपित कर इन्हीं बीजेपी के सरकार ने 1-1.5 साल तक जेल में रखा वो मंत्री है, हसन मुशरीफ जिनके ऊपर ईडी की रेड हुए सप्ताह भी नहीं हुआ वो जमानत करने के लिए भाग रहे थे, शपथ विधि ले गए, शपथ लेकर मंत्री बने। धनंजय मुंडे वो भी उन्हीं में से, प्रफुल्ल पटेल जो शरद पवार के खास हुआ करते थे, ब्लू वाइट बॉय थे, उन प्रफुल्ल पटेल पे भी ईडी के नोटिसेस का प्रकोप जारी है, वो भी जाके गले में भाजपा का गमछा टांग गए और सरकार के साथ हो गए, और लड़ाई वही है। उन्होंने शरद पवार को अकेला छोड़ ये कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारी है। अब सवाल ये उठता है कि जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी ताकत के साथ अपने समय ये कहते थे कि मैं जीवन में कभी भी हम NCP के साथ नहीं जाएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, ये बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस भी अब उनके गले लग रहे हैं। जब 2014 में सिंचन घोटाले की बात आई तब देवेंद्र फडणवीस एक बैलगाड़ी भर के कागज लेकर औरंगाबाद हाईकोर्ट के बेंच पे गए और एक चुनाव में ऐतिहासिक भाषण कि जब हमारी सरकार आएगी तो दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग और जेल जाएंगे। वो दादा को जेल जाने वाले लेके जाने थे, दादा से चक्की पिसवाने वाले थे। अब आज दादा और दोनों मिलके चक्की पीस रहे हैं और उसमें महाराष्ट्र की जनता घुन जैसे पीस रही है। अगर मैं NCP की बात करूं तो NCP पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि BJP के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बना दीजिए। आमचं सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस राष्ट्रवादीचा विचार का पकडला याच्याशी आमचा विरोध आहे।
स्पष्टपणे सांगितलं होतं की काँग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेनेला कमकुवत करतंय किंबहुना संपवते. एनसीपीशी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती होणं शक्यच नाही. नाही नाही नाही. स्टील 36,000 रुपये टन होत, आता स्टील झालं 60,000 रुपये टन. या तमळाबाई तमळाबाई या सांगतो रो गड्या 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 काय चाललंय मला तर काय कळतच नाही. क्या राजनीती में हमारे यहां इतना ओछापण आया है कि यदि हम चुनाव की राजनीति में किसी को नहीं हरा पाते तो फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियों का उपयोग कर उन्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं. शिवसेना टूटी, हिंदुत्व के मोड़ पे टूटी. शिवसेना के तमाम नेताओं के वक्तव्य है कि हमने उद्धव ठाकरे जी को मैसेज भेजा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाकर आपने हिंदुत्व को डायल्यूट किया है. यदि आप इन दोनों पार्टियों को छोड़ देते हैं तो हम फिर वापस आएंगे आपके साथ और हम सरकार बना सकते हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस को अहिंदू पार्टी कर उनका साथ में होने से हिंदुत्व डायल्यूट होता है, ये भाषा बोलने वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और उनके तमाम साथी आज अजित पवार का बुके देके स्वागत कर रहे हैं. राष्ट्रवादी पार्टी वही है. सवाल ये है कि अब हिंदुत्व डायल्यूट हो रहा है या गाढ़ा हो रहा है, समझ के परे है. एकनाथ शिंदे गए तो क्यों गए? उन्होंने कहा कि हिंदुत्व डायल्यूट हो गया, तो जिनके वजह से डायल्यूट हो गया, खराब हो गया, उन्हीं को आज अपने गले लगाया. इसका मतलब हिंदुत्व के नाम तो नहीं गए थे. फिर आपने दूसरा आरोप लगाया था कि यह सरकार अजित पवार की वजह से टूटेगी, क्योंकि अजित पवार जब वित्त मंत्री थे उन्होंने हमेशा अपने वालों को बांटा और हमको डांटा, हमको कुछ नहीं मिला. अजित पवार ही एक ऐसा आदमी है कि जिसके वजह से सरकार टूटेगी. उस अजित पवार के वजह से ही यदि सरकार टूटी, आप नाराज़ होकर अलग चले गए. हिंदुत्व छोड़िए, हमने इस बात का भी एकनाथ शिंदे के गुट को सही माना, तो फिर आज उसी अजित पवार को गले कैसे लगा रहे हैं जिन्होंने इनको नाराज़ किया था, जिनके वजह से गए थे. तो फिर सवाल यह है कि ना हिंदुत्व कोई इशू था, ना अजित पवार इशू था. इशू ये था कि ईडी के रडार पे आ गए थे. एकनाथ शिंदे के नज़दीकी सचिन जोशी को ईडी का नोटिस मिला था, उसके बाद हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उसके बाद जेल, संपत्ति कुर्क, उनके एक साथी एमएलए की संपत्ति कुर्क हो चुकी थी, वो ईडी की पीड़ा झेल रहे थे ठाणे में. ऐसे में सरनाइक उनका नाम है, एमएलए है ठाणे से, वो बार बार कह रहे थे कि हमको बीजेपी के पास जाना है. बाकी लोग जो बीजेपी में गए वो लगातार भाषण दे रहे थे कि हम बीजेपी में जाते हैं तो हमको आराम से नींद आती है, ना हमको ईडी की चिंता है ना सीबीआई की है, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा है. जब ऐसा माहौल हो तो बेचारे मरते क्या ना करते. ये सारे के सारे ईडी के रडार वाले भाग आए, लेकिन कारण कुछ और बताया. वही हालत शरद पवार के पार्टी की है. ये लोग तमाम ईडी के नोटिसेस पे थे. कुछ लोग शरद पवार के साथ हैं, अनिल देशमुख जैसे शेर भी हैं कि जिन्होंने जेल में जाना पसंद कर दिया, आरोप झेले, प्रताड़ना झेली, लेकिन फिर कोर्ट से जब उनको जमानत मिली तो कोर्ट ने कहा कि आपने तो इनको इस केस में अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए था. 100 करोड़ का आरोप, 4.5 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट में 1 करोड़. ये प्रोपोगंडा मशीन है. ये गोदी मीडिया ने वसूली सरकार जिसको बोला, वो वसूली 100 करोड़ की कौन सी? जिस अधिकारी ने आरोप लगाया और उनके ऊपर उसके वजह से मंत्री जेल में गए, उस अधिकारी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि साहब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये तो लोगों के कही सुनी बातें पे मैंने कहा कि ये 100 करोड़ रुपये मांग रहे हैं. संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही हैं. एजेंसियों का हथियार जैसा उपयोग कर विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने दिखा दिया, शिवसेना ने दिखा दिया कि जो शिवसेना कमज़ोर हो गई थी वो एकनाथ शिंदे गुट जाने के बाद सहानुभूति के लहर पे फिर से पूरी ताकत के साथ उभरी है. अब बारी शरद पवार की है. शरद पवार तो वो चाणक्य है जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी.
अजित पवार से लेकर तमाम लोगों को उन्होंने उंगली पकड़ के नेता बनाया था। गुरु ने दो चार गुण अपने पास रखे जरूर है, वही कारण है कि उन्होंने कहा कि कई आए और कई गए, मैं फिर से पार्टी खड़ी करके दिखाऊंगा और चुनाव तक इन सबको मैं चैलेंज देता हूं। मुझे मेरी और पार्टी की चिंता नहीं, मुझे चिंता इनकी है जो गए, क्योंकि इनका एक राजनीतिक भविष्य था वो चले गए। लोग कहते हैं कि अजित पवार को अध्यक्ष बनना था, सुप्रिया सुले के कारण वो नाराज़ थे। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो प्रफुल्ल पटेल को भी बनाया गया। अजित पवार हमेशा कहते थे कि उनको दिल्ली की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ मुंबई की राजनीति करना चाहते हैं। उसके लिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। जो विपक्ष के नेता होते हैं वो शैडो चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, उन्हें पक्षाध्यक्ष बनना था, पक्षाध्यक्ष की भी तैयारी हो रही थी। इसी बीच उन्होंने ये जल्दीबाजी की। कुल मिलाकर ये लोग सत्तांतरण इसलिए कर रहे हैं, ईडी की पीड़ा से मुक्ति और सत्ता का मक्खन, ये दो कारण हैं। बाकी जब जब महाराष्ट्र में राजनीति ने करवट ली, जब जब महाराष्ट्र में गद्दार अपने पार्टी के संस्थापकों को छोड़ के चले गए, पार्टी का बुरा उन लोगों का बुरा हश्र हुआ। शिवसेना से जितने लोग बाहर गए उन्होंने बहुत बुरा समय देखा, एनसीपी छोड़ के जो लोग गए उन्होंने भी बुरा समय देखा। इस बार बारी अजित पवार की है। हाँ, शरद पवार के लिए थोड़ा कठिन समय इसलिए है कि इस बार सामने भतीजा है, जिसको बचपन से पाला उस पर हमला करने के लिए पिता का दिल दो बार सोचेगा। दूसरी तरफ भतीजा है, उसे कोई सारोकार नहीं अपने पिता का, अपने पिता समान चाचा का, उसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उससे ज़्यादा ईडी की पीड़ा से मुक्ति चाहिए। कुल मिला के महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार महाविकास आघाड़ी को तीन पहिए का ऑटो रिक्शा सरकार कहती थी, आज वो स्वयं ऑटो रिक्शा सरकार बन गए हैं। डबल इंजन फेल हो गया इसलिए तीसरे इंजन की ज़रूरत पड़ी है। महाराष्ट्र देखेगा, महाराष्ट्र का मतदाता देख रहा है। जो उपचुनाव में हुआ, विधान परिषद चुनाव में हुआ, मंडियों के चुनाव में हुआ, यदि वो लोकसभा चुनाव में हो, विधानसभा के चुनाव में हो, तो आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। ये तमाम वीडियोज़ आपने देखे होंगे जिसमें अजित पवार कहते हैं कि ये कमलाबाई यानी कमल का निशान कितना घातक है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तबके देवेंद्र फडणवीस लगातार कहते हैं कि अजित पवार को चक्के पिसवाऊंगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, चाहे कितना भी रास्ते पे उतरना पड़े। प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी का भ्रष्टाचार गिनवाते हैं। एकनाथ शिंदे राष्ट्रवादी को हिंदू विरोधी कहती है, एकनाथ शिंदे अजित पवार को टारगेट करते हैं। आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, श्रावण का महीना है, शिवजी की बारात समझिए। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।